हे घोसली आर्मी, कैसे हो आप सब। सिकंदर की कहानी है दो लोगों के सच्चे प्यार की और एक भाई की तकलीफ के बारे में जो ऊपर वाले ने उसको दी थी। मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसी औरत को दर्शाते हुए जो कि नींद से जाग जाती है। मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी चीज से वो बहुत डरी हुई है। एक रूम पे जाने पर उसको दिखाई देता है यह भयानक दृश्य। अब एक इंसान है सेदत, जो कि अपनी जिंदगी की कुछ बातें डायरी में लिखकर हम सबसे बता रहा है कि ये कहानी है मेरी बहन कादर और उसके हस्बैंड यानी मेरे बचपन के दोस्त औरान के बारे में, कि हमारी जिंदगी में एक ऐसा काला साया आया जो कि आज मैं 7 साल के बाद भी नहीं भुला पाया हूँ। शुरुआत में कादर और औरान एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, पर बड़े होते होते वो इतने प्यार में डूब गए कि उन्होंने शादी कर ली और एक दूसरे के बिना अब वो बिल्कुल भी रह नहीं सकते थे। सीन चेंज होता है और कहानी की शुरुआत होती है। औरान का एक कारखाना है जहां पर सेदत भी काम किया करता था। यहां पर काम करते वक्त एक इंसान सिगरेट पीने लगता है, पर यह कोयले का कारखाना था जहां पर ये सब करना मना है। औरान गुस्से में आके इस इंसान को यानी हलील को काम से निकाल देता है। हलील को बहुत सारा लोन चुकाना था और काम के बिना वो ऐसा नहीं कर सकता था। ये सब होने के बाद कुछ पल आते हैं औरान और उसकी बीवी कादर के बीच में। ये दोनों एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं जहां पर इनको लगता है कि ये पेड़ उनके लिए तरक्की लेकर आया है। कादर उसको एक खुशखबरी देती है कि शायद हम माता पिता बनने वाले हैं। वो बहुत खुश थे, पर तभी वहां हलील, जिसको काम से निकाल दिया गया था, वो खुद को फांसी लगा लेता है। अगली सुबह हलील की बीवी कारखाने में आके बहुत रोने लगती है और औरान को श्राप देती है कि तुम्हारा मुकद्दर भी इस मिट्टी जैसा काला होगा। इस बात से औरान बहुत दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ आज कादर को हॉस्पिटल चेकअप के लिए उसका भाई सेदत ले जा रहा था। पीछे की सीट पर बैठा हुआ था एक बच्चा जिसका नाम है महमत, जो कि सेदत का बेटा है और इसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। इसका सपना है कि बड़े होके ये एक इंजीनियर बनना चाहता है। अब औरान तुरंत फोन मिलाता है अपने दोस्त और अपने बीवी के भाई सेदत को। सेदत ये सब सुन के बहुत शॉक्ड हो जाता है और तभी इन सबको एक ट्रक आके टक्कर मार देता है। और अब शुरुआत होती है असली कहानी की और हादसों की जो इनके साथ घटने वाले थे। एक्सीडेंट होने के बाद कुछ महीने बीत जाते हैं। सेदत एक बात शेयर करता है कि मेरी जिंदगी के अंदर 3 ऐसे हादसे हैं जिनको सोच के मैं आज भी काम जाता हूँ। पहला, मेरी पत्नी का इस दुनिया से चले जाना। दूसरा, मेरे बच्चे को वो शब्द जो एक्सीडेंट होने से पहले उसने कहे थे कि पापा मुझे बचा लो। और तीसरा, वो एक हफ्ता जिसमें मैंने ऐसी चीज़ें देखी और महसूस करी जिसको कोई भी देखना नहीं चाहेगा। सीन कट होता है और हमको दिखाई देती है कादर एक सफ़ेद लिबास में, पर उसको रोशनी से बहुत ज़्यादा चुभन हो रही थी आँखों पर। उसका पति औरान सारी लाइट्स बंद कर देता है। वो उसे कहता है कि एक्सीडेंट की वजह से तुम सब कुछ भूल गई हो और तुमको सब कुछ याद आ जाएगा, चिंता मत करो। दूसरी तरफ सेदत के घर में उसका बच्चा पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो चुका था और वो कुछ बोल नहीं सकता था, वो बस देख और सुन सकता था। अब सेदत अपनी बीवी की कब्र पे जाके बहुत रोता है कि मैं अपने बच्चे का ख्याल ठीक से नहीं रख पाया, मुझे माफ़ कर दो। वो रोज़ औरान के घर जाता है, पर वो उससे इतना नाराज़ था क्योंकि इन सब का कसूरवार औरान सेदत को ठहरा रहा था। उसी रात सेदत को एक बहुत ही अजीब सा दृश्य और एक बहुत अजीब सी लिखावट नज़र आती है। ये शुरुआत थी उस डरावने हफ्ते की, यानी कि मंडे की रात। पर यहाँ पर एक बहुत अजीब बात थी कि कादर ठीक थी और उसका बच्चा पैरालाइज्ड हो गया था। असल दर्द तो सेदत को होना चाहिए था, पर औरान इससे इतना नाराज क्यों था, जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। खैर, आगे चलते चलते कादर को रात में एक रूम के गेट के पास अजीब सी आकृति नजर आती है जो कि बहुत डरावनी थी, और उसकी खुद की शक्ल एक अजीब से डेमोनिक प्रेजेंस में बदल जाती है। अब औरान आके उसको बचा लेता है और उससे वादा लेता है कि तुम इस रूम के पास कभी भी नहीं आओगी। कादर को सुलाने के बाद औरान बाहर जाता है और कुछ तंत्र मंत्र पढ़ के
अपने घर के आगे एक रेखा बना देता है और अंदर आके भी कुछ वो मंत्र पढ़ता है। मानो ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई काला जादू किया जा रहा है, पर आखिर क्यों? इसको जानने के लिए हमें आगे मूवी को देखना पड़ेगा। अगली सुबह फैक्ट्री में औरान और सेदत आपस में बात नहीं करते, बल्कि औरान ने फैक्ट्री में सबसे बात करना छोड़ दिया था। कारण अभी तक हमें पता नहीं चल पाया था। पर दूसरी तरफ औरान के माता पिता को दिखाया जाता है, जिसमें औरान की माँ अचानक से बाहर निकल जाती है ये कहते हुए कि मैं एक मिशन पर हूँ और कादिर मेरे बेटे को मरवा देगी। असल में औरान के माता पिता को उनकी शादी कबूल नहीं थी। अब ये बात कब पता चलती है कि औरान के माता पिता वो हैं? उसी दिन औरान के घर में कादिर को फिर से उसके जैसे दिखने वाली एक डेमोनिक प्रेजेंस नजर आती है। वो डर जाती है और रूम में तोड़फोड़ करने लगती है। औरान वापस आता है और वहाँ कादिर अपने हाथ में उनकी शादी की फोटो लेके बैठी हुई थी, जिसके अंदर औरान के माता पिता भी थे। वो कहता है कि इन सबसे अब हम बात नहीं करते। अचानक से औरान को वहाँ पर कुछ अजीब सी आवाज़ महसूस होती है। खिड़की से देखने पर उसको नज़र आते हैं उसकी माँ और वो खुद। वो डर के पर्दा लगा देता है। यहाँ पर कहानी 30% कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इतने सारे राज अभी तक नहीं खुले हैं। औरान बाहर जाता है जहाँ पर उसने एक काले बकरे को मार के उस पर कुछ तंत्र मंत्र किया था। वही बकरा सेदत को नज़र आता है औरान के घर के रास्ते पर। सेदत औरान से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो औरान उसको डरा के भगा देता है और कहता है कि मेरी फैमिली से दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अंदर आके औरान कादर को वार्न करता है कि बाहर मत जाना और किसी से भी बात मत करना। उसके बाद फिर से औरान कुछ काला जादू करता है और ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं। मंडे को इतना कुछ डरावना सीन नहीं हुआ था और मंगलवार की रात में शुरुआत होती है असल डरावने बन की। उस रात उसको सपने में दिखाई देता है उसकी माँ और उसके बेटे की व्हीलचेयर पर बैठे हुए, जिसकी शक्ल बहुत डरावनी थी। अचानक से वो उठता है तो सब कुछ पहले जैसा था, पर बाहर आकर देखने पर व्हीलचेयर और सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। अगली सुबह बुधवार को फैक्ट्री में सेदत औरान से कुछ बात करने की कोशिश करता है और खुद के दुख गिनवाता है कि मेरी बहन भी है वो और मेरा बच्चा कब से चल नहीं पा रहा, मेरा दुख भी समझो। लेकिन फिर से औरान गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है ये कहते हुए कि तुमको मैं जान से मार दूंगा, तुमने मेरी ज़िंदगी मुझसे छीन ली, और ये सब बातें वो करता है। यहीं पर मैं समझ गया था, लेकिन सस्पेंस थोड़ा सा बनाए रखने के लिए वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि खूब सारे राज अंत में खुलने वाले हैं। उसी रात को कादिर को अपने घर में फिर से अजीब अजीब सी चीज़ें दिखने लगती हैं। सेदत अपने बच्चे को अपने घर में कुछ तस्वीर बनाता हुआ दिखाई देता है और बस तभी एक डोरबेल बजती है। बाहर जाके देखने पर कोई नहीं होता और अंदर आने पर उसकी माँ कहती है कि मैंने तो कोई भी डोरबेल की आवाज़ नहीं सुनी। वहाँ उसका बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हुआ था और उसने एक डरावनी सी लड़की की तस्वीर वॉल पर बनाई हुई थी। ये सब देखकर वो बहुत परेशान और सहम जाता है। अब औरान के घर का सीन आता है। वो अपने माँ बाप के फोटो पर भी काला जादू कर रहा था। मतलब वो प्यार में इतना अंधा हो गया था कि अपने माँ बाप के साथ भी उसने गलत करने का सोचा, ऐसा इस सीन से दर्शाया गया है। इसके बाद वो तुरंत जाता है अपने माँ बाप के घर और उनकी तस्वीर पे मंत्र डाल के एक शीशे के पीछे उसको छुपा देता है। यह सब अभी बुधवार को ही हो रहा था। रात में सेदत के घर पर सेदत परेशान होके जाता है बाहर सिगरेट पीने के लिए। पीछे से उसकी माँ आके जिक्र करती है कि विसाइल एक प्रीस्ट है, तुम उसके पास चले जाओ। वह अंदर जाता है और देखता है कि उसकी माँ तो अपनी जगह से हिली ही नहीं है। अब औरान के घर में कादिर को आवाज़ आती है औरान की। वो उसको बाहर लेके जाता है और अचानक से वहाँ पर औरान गायब हो जाता है। उस लक्की पेड़ के पास में जाकर ये भयानक दृश्य नजर आता है कादिर को। पर ये सब महज एक सपना था। अब थर्सडे की सुबह फैक्ट्री में सादित का दोस्त उसको बोलता है कि ये सब शैतानों का किया धरा है, मेरी बीवी को भी यही सब चीजें दिखती थी। तभी वो जिक्र करता है प्रीस्ट विसल का। सादित मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं वहां पर जाऊंगा। उसी रात कादिर अपनी पुरानी ड्रेस में खड़ी थी और उसने मान लिया था कि हाँ, औरान मुझसे बहुत प्यार करता है
और मुझे कुछ याद हो या नहीं, लेकिन मेरा सब कुछ यही है। वो उसको बहुत प्यार करता है, वो उसको नहलाता है और वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ सब कुछ ठीक होता हुआ लग रहा था या फिर चीज़ें और बिगड़ने वाली थी। उसी रात सादेत अपने बेटे के साथ पहुँच जाता है प्रीस्ट के पास। ये प्रीस्ट वही है जो पिछली मूवी में था, पर रोल अलग कैरेक्टर का था। वहाँ पर प्रीस्ट को पहले से ही उनका नाम पता था। वो कहता है कि तुम्हें ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में पहले से ही बता दिया था। प्रीस्ट कहते हैं कि इस धरती पर चार अलग अलग प्रकार के दिमाग रखने वाले जीव हैं, इंसान, फरिश्ते, शैतान और जिन। तुम और तुम्हारा लड़का जिन के चंगुल में फंसे हुए हो, पर तुम्हारा बच्चा कमज़ोर है जिसके कारण जिन्स ने तुम्हारे बच्चे को अपना शिकार बना रखा है। पर जिन ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम दोनों मुझ तक पहुंच जाओ, क्योंकि वो तुमको एक काम करने के लिए देना चाहते हैं, यानी कि जिन्स। प्रीस्ट ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूंगा, लेकिन तुमको पोजेस उन्होंने क्यों किया है और ये टास्क यानी ये काम देने का क्या मतलब है, इसको समझने के लिए मुझे किसी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। तुम कल दोपहर में मेरे पास आना, तब हम बात करेंगे। अब उसी रात औरहान की माँ उठ के उस पिक्चर के पास जाती है जिस पे औरहान ने जादू किया था, और वो उसको काट के बहा देती है फ्लश में, और दुखी होके अजीब तरीके से बैठ जाती है, रोने लगती है। उसका पति उसको चुप करवाता है। थर्सडे की रात का अंत हो जाता है और अगली सुबह यानी फ्राइडे को कारखाने में औरहान खुश होके सादित को अपने घर इनवाइट करता है डिनर के लिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम सब साथ में पहले जैसे रहेंगे। उस दोपहर औरहान की परमिशन लेके सादित चला जाता है उस प्रीस्ट के पास। यहाँ एक और औरत पहले से ही समझ जाती है कि वो लोग आ गए हैं। अब ये औरत वही है जो बिल्कुल शुरुआत के सीन में हमको दिखाई गई थी, और इसी के जरिए जिन्स ने प्रीस्ट को बताया था कि सेदत और उसका बच्चा यहाँ पर आएगा। यानी शुरुआत का सीन वेडनेसडे नाइट का था। ये औरत या तो खुद जिन थी या फिर ये उनसे बात कर सकती थी। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ खास शक्तियाँ होती हैं जो कि हम इंसानी समझ के परे है। यहाँ पर कुछ मंत्र पढ़े जाते हैं और ये औरत बात करती है महमत के अंदर के जिन से, और उसको सब कुछ समझ आ जाता है, और प्रीस्ट भी यहाँ पर सब कुछ समझ गया था। प्रीस्ट का कहना था कि जिन्स दिमागी रूप से हमसे कमज़ोर है और वो हमसे सीधे मुंह बात नहीं करते, वो बस हमारे कान में कुछ खुसफुसाते हैं। प्रीस्ट सेदत को कहता है कि तुम रोज एक ऐसे घर में जाते हो जहां तुमको एंट्री नहीं मिलती, यानी औरहान के घर। वहां पर तुमको जाना होगा और एक काम करना होगा अगर इन सब से छुटकारा पाना चाहते हो। आज रात 12 बजे तक महमत के रूम में ही तुमको रुकना होगा। तुमको बताया जाएगा कि कब तुमको जाना है, और उस घर में तुमको नजर आएगा एक ऐसा ही एमुलेट यानी कि एक ज्वेलरी का पीस। उसको तुमको ख़त्म करना होगा। तुम्हें बहुत डरावनी चीज़ें दिखेंगी, पर तुमको डरना नहीं है क्योंकि तुमने पहले ही बहुत कुछ झेल लिया है, तो डरने की कोई बात नहीं है। अब फ्राइडे की रात होती है और बस औरहान की माँ पोजेस हो जाती है। पोजेस होने के बाद वो कुछ पक्षियों को मार देती है एक पत्थर से, फिर उसी पत्थर से वो अपने पति को भी मार देती है। ये चीज़ औरहान के सपने में आती है और वो अपनी माँ को डरते हुए फ़ोन लगाता है। दूसरी तरफ फ़ोन पर उसकी माँ कहती है कि औरहान वो हमको मार देंगे, तुम्हारे पिता नहीं रहे और अब मेरी बारी है। दूसरी तरफ सादेत को जिन्स की तरफ से सिग्नल मिल जाता है कि जाओ और कादर को बचाओ। लेकिन कादर तो ठीक थी, यहाँ स्टोरी बिल्कुल उलझती जा रही थी, पर ये सब सुन के वो बाहर निकल जाता है और बढ़ने लगता है औरहान के घर की तरफ। अब औरहान भाग कर जाता है अपने माता पिता के घर पर। वहाँ पर वो देखता है कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। वहाँ शीशे के पीछे एक फ़ोटो थी, वो भी उसको नहीं मिल रही थी। बाहर देखने पर उसकी माँ भी अब नहीं रही। सादेत घर जाता है और घर का दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस जाता है। वहाँ कादिर उसको देखती रहती है और ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसको कादिर नज़र ही नहीं आ रही। अब वो एक रूम में जाता है जहाँ पर शुरुआत में औरहान ने कादिर को जाने से मना किया था, और बस वहाँ पर उसको एक बहुत ही गंदी सी बदबू आती है। अंदर जाके देखने पर इतना खौफनाक नज़ारा था कि उसकी रूह कांप गई थी। वहाँ काला जादू करने की विधि और एक बेड पर एक डेड बॉडी रखी हुई थी। कादिर भी उसका पीछा करती है बेसमेंट में। अब उस डेड बॉडी को देखने पर सादित घबरा जाता है क्योंकि वो थी उसकी बहन कादिर की डेड बॉडी। कादिर खुद ये देख कर डर जाती है। वहाँ उसकी बॉडी पर उसको मिलता है एक एमुलेट जिसको वो जला देता है, और वहाँ कादिर की शक्ल बदल जाती है और एक डरावनी शक्ति आके उसको अपनी दुनिया में ले जाती है। तभी औरहान भागते हुए आता है और कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया।
कादिर को याद करके वो बहुत रोने लगता है और अब खुलते हैं असली पत्ते। असल में एक्सीडेंट के वक्त कादिर की मौत हो गई थी। कादिर को दफनाने के बाद औरान को यह मंजूर नहीं था। उसने उसकी कब्र खोदी और जिन्स के साथ एक डील करी कि मुझे मेरी कादिर लौटा दो और इसके बदले चाहे मेरा कुछ भी ले लो। एक शैतानी जिन के रूप में उन्होंने उसको कादिर तो लौटा दी, पर वो असल में जिन की बेटी थी, वो कादिर नहीं थी। तभी उसको रोशनी में दिक्कत थी और वो घर से उसको बाहर जाने से इसलिए रोकता था। उसकी यादें भी नहीं थी, पर उसको भी प्यार हो गया था औरान से। अब जिन ने इसकी इच्छा तो पूरी कर दी, पर वो इस दुनिया से नहीं थी और बहुत तकलीफ में उस घर में रह रही थी। वो बार बार अपनी एक शैतानी आकृति देखा करती थी, वो यही थी। हालांकि औरान को जिन्स ने बहुत वार्निंग्स दी थी कि तुम हमारी बच्ची वापस कर दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा, लेकिन वो नहीं माना क्योंकि कादिर से उसका प्यार बिल्कुल ही असीम था। घर के सामने उसने एक रेखा बनाई थी, वो भी इसलिए थी। घर में जादू करना वो कादिर को बचाने का तरीका था। उन जिन्स ने सादत और महमत को पोजेस इसलिए ही किया था ताकि वो उनका ये काम करवा सके। उस औरत के सपने में भी शुरुआत में वो इसलिए आए थे ताकि वो ये कहना चाहते थे कि हमारी बच्ची को आज़ाद करवाओ। उन्होंने उस प्रीस्ट को एक तरीके से मीडिएटर के रूप में देखा, पर औरान ने बात नहीं मानी और अपने माँ बाप की भी जान उसने गंवा दी। अपने माँ बाप पर भी उसने काला जादू किया था, पर वो उनको उससे बचाने के लिए था ताकि उनको जिन्स पोजेस ना करें। लेकिन जिन्स ने उसको पोजेस कर लिया और उसकी माँ के द्वारा वो तस्वीर काट दी। जिन ने बहुत कोशिश करी कि वो मान जाए और उनकी बच्ची उन्हें लौटा दे, पर औरान के प्यार के जुनून की वजह से ऐसा नहीं हुआ। अब आखिर में औरान शहर छोड़ देता है और सुनने में आता है कि शायद उसने खुद को भी मार लिया है, क्योंकि कादिर के बिना वो रह नहीं सकता था और उसने यह वादा कर दिया था कि तुम मेरी आखिरी और पहली ऐसी लड़की हो जिससे मैंने प्यार किया है। सैदत का बेटा 2 हफ्ते के बाद ही ऊपर वाले के करम से ठीक हो जाता है और वो बहुत खुश था, पर अपनी बहन और औरान अपने अजीज दोस्त का दुख उसको ज़िंदगी भर रहेगा। और ये सब खौफनाक नज़ारा जो उसने देखा था, इसको वो कभी भी भुला नहीं पाएगा। इस प्रकार का रिश्ता हर जगह और हर मज़हब में गलत माना गया है। हम दूसरी दुनिया की शक्तियों से रिश्ता नहीं रख सकते। और बूम, मूवी ख़त्म। दोस्तों, ये मूवी बिल्कुल अलग है। सिकिन पार्ट 1 और पार्ट 2 से इसका कोई रिलेशन नहीं है। मैं भी काफ़ी शॉक्ड हो गया कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में औजनूर और हिकरान को दिखाया गया था साथ में, पर रिश्ते उनके नहीं दिखाए गए। हो सकता है कि 4th पार्ट या आने वाले 5th पार्ट में, जो कि 17 अगस्त को रिलीज होगा, उसमें कुछ राज खुल सकते हैं। हो सकता है एक स्टोरी बिल्डअप हो जो कि आगे चल के पता चलेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और क्या ये एक रियल स्टोरी है, इसके बारे में इस मूवी के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं करा गया है, तो मैं इसको एक फिल्म की तरह ही लूँगा। पसंद आई है तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ यहाँ पर आती रहेंगी। कुछ सवाल है अगर आपका, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मैं आपको मिलता हूँ घोष सीरीज़ की अगली वीडियो में। तब तक के लिए।